अभी हम गौराबोराम प्रखंड के बौराम पंचायत स्थित बरदहा गांव में है। देर रात एक बच्चे को सांप के काटने से उनकी मौत हो गई। कल शाम के लगभग 4 बजे ये खबर आया कि एक बच्चे को सांप ने काट लिया था। जैसे उसको बौराम PSC इलाज कराने के लिए लेके गए, बबच्चे की मौत हो जाती है। मौत बिरौल के CSC में हुआ है। तमाम लोग इनके गाँव के जितने भी बरदहा के जो तमाम लोग हैं और मोहल्ले के सभी लोग यहाँ मौजूद है। ये पूरा परिवार जो है गम में डूबा हुआ है। सो का कुल परिवार है। और पता चला जब हम यहाँ पहुँचे, यहाँ के लोगों के द्वारा पता चला कि वो बच्चा जो था वो 6 भाई बहन में इकलौता भाई था। 5 बहनों का इकलौता भाई था जो अब इस दुनिया में हमेशा के लिए दुनिया को छोड़कर जा चुका है। छोटी सी गलती और कहीं ना कहीं अस्पताल की एक बड़ी लापरवाही के कारण आज एक माँ बिलख रही है, रो रही है। इनका ही बेटा था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, ये माँ रो रही है। हम सबसे पहले इनके माँ से जान लेंगे, उसके बाद इस घटना के बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। अच्छा, क्या हुआ था आपके बेटे के साथ? हॉस्पिटल में दावा लगा कर पूछते बोले यहाँ से ले जाइए दरभंगा, हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ इलाज नहीं हुआ था? इसी घर में सांप काटा था? इसी घर में। देखिए यहाँ जो तमाम लोग भीड़ लगा हुआ है, ठीक इसके पीछे यहाँ पर बच्चा का सब रखा हुआ है। मैं वो सब नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि कुछ गाइडलाइन भी है, उसका भी नियम का पालन भी करना होता है। लेकिन तमाम जो लोग हैं बरदहा गांव के, वो सब इसलिए इस परिवार के पास आए हुए हैं कि 5 बहनों का इकलौता भाई, एक 12 साल का बच्चा जिन्हें सांप पैर में काटता है, जैसे आनंद फाने में बौराम PSC ले जाते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ इलाज नहीं होने के कारण इनको आनंद फानन में बिरौल भेजा जाता है। लेकिन जब तक बिरौल पहुंचता है बहुत देर हो जाता है और फिर उस बच्चे की मौत हो जाती है। इस मौत की खबर जैसे ही इलाके में लगता है, आसपास के गांव के और रिश्तेदारों को लगा, तमाम लोग यहां पहुंच गए। बच्चे के जो पिता है वो भी शहर में है, परदेश में काम करने गए थे, मजदूरी करने, वो भी आज आ रहे हैं। जब तक वो नहीं आएंगे, बर्फ में सबको रखा गया है और उनके आने के बाद ही उनका जो भी कफन होता है वो सब कुछ होगा। हम उस पर बाद में चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले ये बात करेंगे जो लड़का अस्पताल लेकर गया था, आप ही गए थे? कौन गया था? ये गया था, देखिए यही गया था अस्पताल लेकर गए। जैसे सांप काटा था आप अस्पताल लेके तुरंत गए थे? जी तुरंत गए थे। कौन सा सांप काटा था? सांप को देखे थे आप? सांप को उसकी अम्मी देखी थी। उसकी अम्मी देखी थी जी। अस्तर था। फिर क्या हुआ, आप अस्पताल लेके गए? उसके बाद अस्पताल ले गए, मैम को बोले तो मैम ने उसको वो लगा के खून साफ किया। उसके बाद मैम बोली कि इसको सांप काटने का लक्षण नहीं है, इसको आगे ले जाइए दरभंगा। उसके बाद डॉक्टर बाहर निकले, वो बोले का क्या हुआ क्या हुआ, तो डॉक्टर के पास जाके हम पर्ची लिखवाए। उसके बाद पर्ची लिखवाते ही थे इतने में मैम लोग बोली कि इसको आगे लेके जाइए दरभंगा। अच्छा जी, मतलब पर्ची लिखाने आप अस्पताल गए थे जी। फिर क्या हुआ वहाँ पर, क्या सब हुआ था वहाँ पे? हुआ क्या मैम देखी और उसके बाद बोली क्या सांप काटने का इसको लक्षण नहीं दिख रहा। आपने कहा ये बात? मैम ने कहा था। अच्छा, मैम ने कहा लक्षण नहीं है जी जी। और फिर मैम ने क्या किया? मैम ने उसको लगा के दवाई लगा के खून को साफ कर दिया। उसके बाद बोला आगे लेके जाइए। पैर से खून निकल रहा था जी जी। जो बाइट करता है सांप, दांत का निशान था? दांत का निशान था जी, अभी भी है वो निशान था जी। लेकिन उसके बावजूद क्या बोली मैडम? लक्षण नहीं दिख रहा सांप काटने का जी। सांप का लक्षण क्या होता है ये मुझे भी नहीं पता है। इसकी पढ़ाई आप पढ़ के हैं, आप ही को पता होगा। ये गांव के भोले भाले लोग हैं, इनको क्या पता सांप काटने का लक्षण क्या होता है। लेकिन जब आंखों से सांप को इन्होंने देखा है तो स्वाभाविक है कि ये बताएंगे कि सांप काटा था, पैर से खून भी गिर रहा था, आप साफ भी कर रहे थे और लक्षण भी नहीं समझ में आ रहा था। फिर क्या किया मैंने? मैम उसके बाद साफ करके बोला आगे ले जाओ, तो हम लोग वहाँ से उठा के ले गए। यहाँ पर दवा नहीं था उपलब्ध? यहाँ पे बोला दवाई देने को बोला, यहाँ पे कुछ भी नहीं अभी। अच्छा जी। और एम्बुलेंस बोला तो वो बोली एम्बुलेंस हड़ताल पे है, एम्बुलेंस अभी आपको नहीं दिया जाएगा। एम्बुलेंस नहीं दिया जाएगा? ठीक है, एम्बुलेंस हड़ताल पर है जी। आप अपनी गाड़ी से लेके गए जी, बाइक से जी। बिरौल CSC पहुंचने में कितना समय लगा यहाँ से? यहाँ से लगा होगा 15 से 20 मिनट। 20 मिनट लगा होगा। इस 20 मिनट में बच्चे का क्या स्थिति, रास्ते में लेके जा रहे थे? बच्चे तो ठीक ठाक था जी। अस्पताल तक ठीक पहुंचा जी? बिरौल CSC तक पहुंचे थे? बिरौल CSC तक। भंता में बच्चे बेहोश हुआ, भंता गांव में बच्चे बेहोश हुआ, 2-3 उल्टी किया, तो हमारे रिश्तेदार थे, कपड़ा उपड़ा लेके बच्चे को पूरा साफ किए, वहाँ बिरौल लेके गए। बिरौल ले जाने में लेट हुआ हमको, लेट होने के कारण है कि लेट होने के कारण डॉक्टर देखा, डॉक्टर ने दवाई दिया, डॉक्टर ने एक ही लफ्ज कह दिया कि आपका बौराम में हॉस्पिटल जो है उसमें अगर एक इंजेक्शन दे देता तो आपके बच्चे की जान 99% बच जाती। अच्छा। वहां लापरवाही करने के कारण आपके बच्चे ने 20 मिनट से लेट हुआ, 20 मिनट से लेट होने के कारण आपके बच्चे के नस नस वाकिफ हो गए, जहर वाकिफ होने के कारण हमने इंजेक्शन दिया, इंजेक्शन से नहीं हो पाया, आप आगे ले जाइए। आगे ले जाने के कारण है कि डॉक्टर ने वहां से सब कुछ दिया, पानी भी दिया, इंजेक्शन भी दिया, हर कुछ दिया, तो बच्चे एक दो उल्टी किया, बच्चे के मुंह से ब्लड आया, ब्लड आने के कारण जब तक गाड़ी में बैठाए तब तक बच्चा खत्म हो चुका था। बस वो डॉक्टर बिरौल का डॉक्टर का एक ही लफ्ज कहना था कि बच्चे का अगर बौराम हॉस्पिटल में एक सुई पड़ जाता जहर का तो बच्चे 99% बच जाता, उसका मेरा गारंटी था बचाना बच जाता जी। जबकि बौराम PSC में
यहाँ पर सरकार की ओर से दवा उपलब्ध कराया गया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इंजेक्शन की व्यवस्था नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर किसी भी दवा की उपलब्धि नहीं है। तमाम जो बीमारी है, चाहे वो गांव के छोटे मोटे बीमारी हो या फिर किसी जहरीले जीव के काटने से किसी भी हादसा का जो शिकार होता है उसका यहाँ पर दवा है। यहाँ तक कि कुत्ता के काटने तक का भी दवा इनके पास उपलब्ध रहता है, क्योंकि ये ग्रामीण इलाका है, सुदूर इलाका है। और जब प्रभारी जो चिकित्सा प्रभारी है यहाँ के, उनसे जब बातचीत किया गया, उन्होंने भी स्पष्ट कहा कि हमारे पास दवा उपलब्ध है। अच्छा, पर्ची काटने में देरी हो रहा है? जी, पर्ची काटने में देरी होता है मैम, बोला सांप का लक्षण नहीं है, इसको ले जाइए आगे। सांप का लक्षण नहीं तो क्या इलाज होगा, क्या होगा वो तो कर देता मैडम। तो वो कुछ भी नहीं किया ना, खाली वो क्या बोलते दवाई लगा के सांप किया, दो तीन इंच पेन से पैर में, बोला इसको बोला कुछ भी नहीं है। पेन से चुभा कर चेक कर रहा था जी, बोला आगे ले जाइए। विरोध लेके गए वहाँ, बोला आपका एक ही है कि वहाँ इंजेक्शन नहीं देने, बच्चा आपका मर गया। अच्छा जी, देखिए तमाम लोग इस गांव के हैं, देखिए जितने भी महिलाएं हैं सब लोग हैं, देखिए तमाम लोग यहाँ हैं, कुछ और लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। और अच्छा ये बताइए, बोराम पीएससी जो यहाँ चल रहा है, क्या यहाँ इलाज हो नहीं रहा है, क्या कारण है? सर मैं कभी भी गया हूँ तो मुझे दवा उपलब्ध नहीं मिला वहाँ पे, कभी भी, चाहे महिला हो या जेंट्स हो या बच्चा हो। पेट दर्द का भी वही दवा मिलता है, सर दर्द का भी वही दवा है, किसी को खून हो गया, डॉक्टर कट गया हो, वही दवा है, बस दो ही दवा वो रखता है। उसके अलावा अगर आप इंजेक्शन लेते हैं तो आपको लिख के दिया जाता है खरीद के बाहर से लाओ, शहर से लाओ। अब शहर से कहें तो बाजू में ही मिलता है, उसका बाजू में ही आदमी रखता है, उससे लेते हैं। तो ये सब चीजों के लिए जो है इमरजेंसी सुविधा नहीं है, बिल्कुल नहीं इमरजेंसी, कुछ भी नहीं इमरजेंसी सुविधा है, कुछ नहीं। रात में हम लोग गए थे वहाँ पे, एक बच्चा का एक्सीडेंट हुआ था, सर फटा हुआ था। गाँव घर में जो महिला सब जो खिंडा नहीं सीती है, जो उस सुई से उसको टाका दिया जा रहा था, उस सुई से उसको टाका दिया जा रहा था। आज से दो दिन पहले मेरी सिस्टर का तबियत खराब हुआ, वहाँ ऑक्सीजन का कुछ साधन है, वो मर गया। उसका पति उसको मुंह से भाप दिया तब जाकर उसका सांस आया। इस हॉस्पिटल में कुछ ऐसा चीज नहीं है, जो अगर पेट में भी दर्द होता तो कहता आप रेफर कीजिए, यहाँ से दरभंगा आ जाइए। हमको ऐसा हॉस्पिटल का जरूरत नहीं है, जहाँ पे हमको उम्मीद है जो यहाँ हॉस्पिटल है, हम जाएंगे वहाँ पे हमारा इलाज होगा, हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन वहाँ जाने के बाद हमको डर पैदा हो जाता है, मर जाएंगे। हमको ऐसा हॉस्पिटल यहाँ पे नहीं चाहिए। देखिए ये जो यहाँ जो तमाम महिला है, उनसे भी जानेंगे, उनसे भी थोड़ा पूछेंगे। चाची यहाँ इलाज होता है कि नहीं होता है? बोरा कहाँ वो इलाज, क्या को परसेंटों का मार दो यहाँ। अच्छा, दवा नहीं देता है यहाँ? नहीं दो दवा, कितना लेडीजो का खत्म करवा दे। आप लोग गए थे दवा लेने? कभी गिरिया नहीं तमार के, एक सौ वृद्धा दवा लगा। दवा नहीं देता है कहा दो, एगो दुगो गोटी दो खत्म कर दो। अच्छा, गोटी देता है खत्म हो जाता है? ले लो, गरीब रो अमीर रो होता दुई लोग पर, नहीं पैसा था नहीं लिखो। लो कौन कहता है? मैडम कहता है। अच्छा, क्या कहती है मैडम? मैडम कहती है कि पैसा दो लाओ, पाँच सौ लाओ, कोई हजार लाओ, कोई एक सौ लाओ, कोई दो सौ लाओ, इतना गरीब लोग का जने कहते हैं पैसा, पैसा भी मांगती है। हाँ तो पैसा मांगती है ना, किस चीज के लिए? लिखा की पैसा उसी करती है, किसके पैसा मांगती है? जो गर्भवती महिला होती है। हाँ चलिए, बोराम पीएससी का ये तमाम लोग जो है नाराज है, तमाम जो इस गांव के लोग है बरधा के, वो तमाम लोग नाराज है, और तमाम जो रिश्तेदार हैं वो लोग भी यहाँ हुए। इनके गांव का एक मासूम बच्चा और पांच बहनों का इकलौता भाई जिसकी मौत हो जाती है, सर्पदंश से मौत हो जाती है। और जैसे ये सांप काटने की खबर अस्पताल तक पहुंचा, अस्पताल को इलाज करना चाहिए, इंजेक्शन देना चाहिए आनन फानन में, लेकिन सही उपचार नहीं होने के कारण बिरोल सीएससी भेज दिया गया। बिरोल सीएससी पहुंचा, वहां इलाज भी हुआ, वहां उपचार भी किया गया, लेकिन बच्चे की तब तक देर हो जाने के कारण उनकी मौत हो चुकी थी। देखिए आपको क्या नाम है आपका? हमारा नाम सहना नाम है। जो बच्चा मरा है उसके कौन है? उसको मैं से पड़ोसी है। पड़ोसी है हाँ। मगर ये हॉस्पिटल का ऐसा स्त्री है। अच्छा, बच्चे को सांप काटा था? हाँ जी, सब बोला सांप काटा, हमको पड़ोसी है तो हम भी लोग देखे हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ? ऐसा ही हॉस्पिटल में है, हमारे पुत्र एक तारीख को जहर खाया। आपके पुत्र खाया? हाँ, गुस्सा पिता में लेकर को गिए यहाँ ठाम में भगा दिया हम लोग को। तो जाकर शराब डॉक्टर के पास 25,000 रुपया लगा, तब जाकर को अच्छा कर रखा। ये हॉस्पिटल है? अच्छा, यहाँ मतलब आप लेके गए थे? देवे तो नहीं क्या दवा? इलाज नहीं किया? नहीं। क्या बोला? बोला यहाँ है ये नहीं, ले जाइए आगे। आगे ले जाइए? आगे ले जाइए। तब आप प्राइवेट में ले गए? ले गए शराब डॉक्टर के पास, तो वहाँ जाकर को 25,000 रुपया लगा, तब जाकर को हाथ लगाया, जमा किए ना बाबू। और इसका कारण है कि इसी वजह से आज एक बच्चे की मौत हुई है इसी बरधा गांव में। और इससे पहले कई वारदात, कई घटना भी यहां सामने आया है, जिसमें हम लोग भी यहां तक पहुंचे थे। अब इस मामले में, इस संबंध में हम यहां के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जो प्रभारी है उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानकारी लेंगे कि पूरा मामला क्या है और अपना पक्ष किस मामले में रखते हैं। इससे पहले भी 3-4 को सांप काटा गया, वहाँ भी सुविधा नहीं दिया, वहाँ भी सुविधा नहीं दिया गया। किसको सांप काटा गया? 3-4 बच्चे पर देखे, हमारे गाँव के 3-4 जी जी, आज से 2 साल 6 महीना पहले की बात है, उसमें भी सुविधा नहीं दिया गया, वो भी बच्चे डेड कर गए। पांच बच्चे इस लगा के 5 बच्चे डेड कर गए। कुलौनी वाले बोल रहे थे कि जब हमें यही सबकट्टी का परसेंट को लेकर के, तो वहाँ पे जो है मान लिया के बोला कि नहीं दवाई नहीं है। अच्छा जी, तो उसका क्या हुआ? वो मर गया। और क्या हुआ? वो भी मर गया। हाँ, पता। तो अब तक कितने बच्चे की मौत हो चुकी है सांप काटने से? बहुत हो चुका है ऐसा, तो इतना सालों में
साल में पांच हो चुका है वो बच्चा, हाँ पांच का हुआ है, जिसमें बल्कि देखते ही नहीं है कि एक भी दवा रहता है। और हम लोग एक खस्सी रहता है, खस्सी को भी अगर कुत्ता काट ले तो उसका भी दवा नहीं है इसमें, डायरेक्ट सुपौल से लाना पड़ता है हम लोगों को। अच्छा, ये ग्रामीण इलाका है, यहाँ गिदर या जो भी जंगली जानवर है वो काट ले तो यहाँ यहाँ नहीं है, यहाँ इंसान को काटे या जानवर काटे कोई चीज दवा है ही नहीं है यहाँ पे। हम लोग को खुद एक्सीडेंट जो हुआ है जो देखते हैं टाँका ढंग से नहीं दिया गया, जो कहता है बल्कि सिटी यहाँ गए दरभंगा तो बोला ये बोला है कि आपको जो है गांव में हॉस्पिटल में जो टांका दिया गया वो ढंग से नहीं दिया गया, अगर वो रहता तो बल्कि देर बाद नहीं होता, देखो पूरा कंगा लगाते वो में भी दर्द होता है हम लोग सीधे यहाँ से रेफर कर। हाँ, और वो जो इंजेक्ट क्या कहते हैं टांका जो मारा था वो सुई वाला जो रहता ना कंबलर जो हम लोग के गाँव में सिया जाता वो उससे मैंने बल्कि किया गया था ये सर। अच्छा, हाँ बल्कि सुन भी नहीं किया था, यहाँ तक कि दर्द में तड़प रहे थे हम, एक्सीडेंट जो हुआ था फिर भी देखे तो वैसा ही। अब गार्जियन लोग क्या कर सकते हैं, कैसे होता खून रुकना था ना, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं उठाया, देखते हैं कि टाका पड़ता तो पहले दो तीन बल्कि सुन किया जाता है यहाँ पे इंजेक्शन देके, वो नहीं दिया गया था हम लोगों को। तमाम लोगों की जो बात है उसको आप लोगों ने सुना, अब हम प्रभारी के पास जाएंगे और प्रभारी अशोक जी से भी पूछेंगे कि आखिरकार आपके इस पीएससी में इतनी बड़ी लापरवाही क्यों आ रही है सामने, क्यों यहाँ के बरदहा गाँव के लोग आक्रोशित बने हुए हैं, क्यों यहाँ के लोगों के अंदर आपके खिलाफ गुस्सा है, आखिर क्या वजह है कि बौराम पीएससी के खिलाफ लोगों में नाराजगी है, नाराजगी किस बात से लेकर है कि एक छोटा सा बच्चा 12 साल का था जिसकी मौत सांप काटने से हो गया और जैसे अस्पताल जाता है वहाँ इलाज नहीं होता, इसी बात से पूरा ग्रामीण नाराज है। हम बौराम पीएससी के जो प्रभारी है उनसे बातचीत करेंगे, उनसे अधिक जानकारी लेंगे, तब तक बने रहिए।